अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि लड़कियां शादी के बाद पीछे से मोटी क्यों हो जाती है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों सच्चे मन से एक बार भोले भंडारी के लिए जयकारा तो बनता है, इसलिए कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ और इस सर्वे के लिए महिलाओं का पीछे का सबसे बड़ा भाग और कमर के सबसे पतले हिस्से को मापा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं ने इस सर्वे में पाया कि जिन महिलाओं ने कई बार वन नाइट स्टैंड किए हैं उनका पीछे का हिस्सा आम महिलाओं की तुलना में काफी बड़ा था। एक सर्वे के बाद ये भी पाया गया कि जिन महिलाओं के पार्टनर के अलावा उनके और भी कई संबंध थे तो उनका भी पीछे का भाग कई सेंटीमीटर बढ़ा पाया गया। और वहीं शादी के बाद महिलाओं में कई हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण वो ज्यादा खाने लग जाती है और उनका पीछे का भाग बड़ा हो जाता है। दोस्तों ज्यादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का हिस्सा ज्यादा बड़ा होने लगता है। वहीं 18 से 26 साल की 138 महिलाओं को लेकर किए गए इस रिसर्च के मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर कोलिन के मुताबिक जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बड़ा होता है तो उन्हें कई फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का इनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना और वही इन्हें बच्चे पैदा करने में काफी आसानी होती है। प्रोफेसर की माने तो पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के शिशु को जन्म दे सकती है, जबकि इनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।